शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बीते दिनों सरकार द्वारा गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगाने के बावजूद इस साल देश का गेहूं निर्यात आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी FAO ने 2022-23 में देश से गेहूं का निर्यात आंकड़ा 70 लाख टन तक जाने का आकलन किया है। यह औसत निर्यात से अधिक है। दरअसल अब तक विश्व में यूक्रेन का गेहूं सबसे सस्ता होता था। कम दाम के मामले में दूसरे नंबर पर भारत का गेहूं आता है। यूक्रेन के युद्ध में फंसने के बाद भारत का गेहूं ही अब सबसे सस्ता है। विश्व के बाजारों में गेहूं की कीमतें 2008 के बाद अब सर्वोच्च स्तर पर हैं। निर्यात बाजार में छोटे कारोबारियों के दूर होने के बाद अब इंदौर मंडी में गेहूं के दाम टूटते दिख रहे हैं। वहीं बाजार के जानकार गेहूं को दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत से काफी देश गेहूं के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। अगर भारत इन देशों को गेहूं निर्यात करने की सोचता है तो गेहूं में फिर से कुछ बढ़त देखी जा सकती है। वहीं यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन पूरे विश्व में गेहूं की कम सप्लाई के संकट को देखते हुए अगर रूस और यूक्रेन कुछ राहत देते हैं और काले सागर से गेहूं की सप्लाई बहाल होती है तो फिर गेहूं की सप्लाई में जोरदार बढ़त देखने को मिलेगी और कीमतों में गिरावट। अभी फिलहाल इंदौर में सबसे ज्यादा गिरावट मालवा राज गेहूं में दिख रही है। आपको बता दें कि इंदौर मंडी में गेहूं मिल क्वालिटी 2050 से लेकर 2100 रुपए क्विंटल, मालवा राज 2050 से लेकर 2075 रुपए क्विंटल, लोकवन 2350 से 2400 रुपए क्विंटल, पूर्णा 2250 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।